सभी को सावन की दूसरी सोमवार का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कुछ मीठा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध जले ना। और हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसे गरम कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे और इधर अभी हाई फ्लेम पे रखेंगे। मैंने ये नए खल लिए थे, अब इसी में आज अखरोट तोड़ लूँगी। सोची क्या बनाऊँ, अखरोट पड़े थे तो मैं इसी से कुछ मीठा बनाती हूँ। अखरोट के छिलके हटा लेंगे। इस खल में अखरोट बहुत अच्छे से टूट गए। देखिए हमने 1 कप अखरोट छील लिया है, अब इसको बॉयल कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। इसे वॉश कर लेंगे। इसमें कोई छिलके होंगे तो निकल जाएंगे वॉश करने से। उसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। अब इधर मैंगो छील लेंगे, मैंगो का प्यूरी बना लेंगे। मैंगो हलवा में मैंगो फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं अखरोट मावा अखरोट हलवा बना रही हूँ। मतलब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो वो मावा बन जाएगा और इसमें मैंगो फ्लेवर डालूँगा। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ली, 1/2 कप इसमें दूध में ऐड करूँगी, 1/2 कप बाद में ऐड करूँगी। मैंगो प्यूरी और अखरोट प्यूरी डालूँगी तब। मैं इसको अखरोट को ग्राइंड कर लेंगे। मैंगो प्यूरी भी दोनों मैंने पीस लिया है। दूध गाढ़ा हो चुका है, 50% हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अखरोट प्यूरी। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिला लें। अब यहाँ पे ध्यान से लगातार चलानी पड़ती है, मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहें। इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दिया, जो 1/2 कप चीनी डालनी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं, यहाँ मीठा सब लोग बहुत कम खाते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, पर मैं घी नहीं डालूंगी यहाँ पर, कि दूध भी फुल फैट था और अखरोट में भी ऑयल होते हैं। घी डालने से काफ़ी रिच हो जाएगा। अब इसे लगातार चलाते हैं। छींटे इस स्टेज पे छींटे बहुत उड़ते हैं, तो दूर रह के ही बना रही हूँ, चेहरा बचा के बनाए। प्लेट रख दिया है। इस तरह से लगातार चलाते रहें जब तक हलवा की कंसिस्टेंसी ना बन जाए। आप इसमें तो और भी ज़्यादा चीनी ऐड करके इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, बर्फी लड्डू कुछ भी बना सकते हैं। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ लगातार चलानी पड़ती है क्योंकि अब इसमें फ्लेवर के लिए इलायची 4 से 6 इलायची क्रश करके डाल दूंगी। देखिए ये हलवा बनकर तैयार है। अब इसे हलवा को सर्व कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी जो बचेंगे उसके पेड़े बना लूंगी। बहुत ही यम्मी बना हलवा। अब ये अखरोट हलवा है तो अखरोट से गार्निश कर लेते हैं। हलवा को आप व्रत में भी खा सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक हलवा है और हलवा बन के तैयार है। बच्चे के पेड़े भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से पेड़े भी बना लिए। बहुत यम्मी बना है। आप भी ये इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।